नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पोहा से बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, ये पोहा की नमकीन बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो नमकीन बनाने के लिए हमें पोहा चाहिए, थोड़ी सी मूंगफलियाँ चाहिए और थोड़े से ड्राई फ्रूट और करी पत्ता और हरी मिर्च। तो दोस्तों, अब हम बनाते हैं अपना पोहा से बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन। उसके लिए हमें सबसे पहले पोहा को फ्राई कर लेंगे। तो पोहा को फ्राई करने के लिए मैंने ऑन कर दिया है। तब हम इसमें बिना ऑयल डाले ही पोहा को अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि ये करारा हो जाए। इसे हमें धीमी आंच पर बनाना है, आंच को बिल्कुल हल्का रखना है और लगातार चलाते रहना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पोहा थोड़ा फूल सा गया है और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है इसका। तब हमारा पोहा अच्छे से गर्म हो गया है और अच्छे से क्रंची भी हो गया है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया है पोहा को। हम फिर से उसी कढ़ाई को गैस पे रख के कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। और इसमें मूंगफली डाल के अच्छे से हम उसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मूंगफलियां अब होने वाली हैं। थोड़ा सा कलर और आ जाए इसमें तो हम इसे भी निकाल देंगे। तो ये हमारी मूंगफलियां भी हो गई हैं, तब हम इसे भी निकाल देंगे। अब हम इसमें कटे हुए नारियल को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें भी अच्छा सा कलर आ गया है, तब इसे भी हम निकाल देंगे। अब हम इसमें जो और ड्राई फ्रूट थे वो भी फ्राई करेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट भी हो गए जल्दी से, तब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। हमारा ऑयल जो है ज़्यादा है कढ़ाई में, तो हम थोड़ा सा उसमें ऑयल निकाल लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल लेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। और ये सब हम हल्के आंच पे ही करेंगे।
करी पत्ता को भी डाल देंगे और इसे हल्के आंच पे हम लाल करेंगे। दोस्तों ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट पोहा की नमकीन बनके तैयार होगी और ये लोगों को काफ़ी पसंद भी है, तो इसे आप ज़रूर बनाइए अपने घर में और अपने घर में सभी को इसे खाने के लिए दीजिए, उन्हें भी काफ़ी पसंद आएगी। हमें इसे अच्छे से क्रंची कर लेना है हल्के आंच पे। ये हमारी सारी चीज़ें फ्राई अच्छे से हो गई हैं, तब हम इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और नमक, नमक को भी हम इसी समय ही डालेंगे ताकि वो पोहा में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। और जो भी चीज़ें हमने फ्राई की थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम पोहा को भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है और थोड़ी देर हम इसको और फ्राई कर लेंगे ताकि इन सबों का फ्लेवर एक साथ मिक्स हो जाए। ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट पोहा की नमकीन बनेगी। हम मार्केट से लाके खाते हैं, वो हमें बहुत ही महंगी पड़ती है। अगर हम ये घर में बना के खाएंगे तो ये इतना महंगा नहीं पड़ेगा। आप मेरे इस तरीके से आप वहाँ की नमकीन की बनाइए और ज़रूर से बना के अपने घर के लोगों को खिलाइए। दोस्तों अब हम ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी पोहा की नमकीन बिल्कुल रेडी है, तो और हम गैस के फ्लेम को भी बंद कर लेंगे। दोस्तों ये हमारी स्वादिष्ट पोहा की नमकीन बिल्कुल रेडी है, तो आप इस तरह से बनाइए और खिलाइए। तो दोस्तों ये पोहा से नमकीन बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और दोस्तों ये सारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।